जियो ने एक और जियोफाई राउटर लॉन्च कर दिया है। ये एक पोर्टेबल वाईफाई राउटर है। वैसे तो बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं, आप उसे जियो वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं इस नए वाले जियोफाई राउटर की अनबॉक्सिंग करने वाला हूं और आपको इसके फीचर्स के बारे में बताऊंगा। देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोगी और ये है जियोफाई, एक और पर्सनल हॉटस्पॉट। ये एक पोर्टेबल वाईफाई राउटर है और एक नए कॉम्पैक्ट बॉक्स पैकिंग के साथ में आता है। इसकी कीमत है 2499 रुपये, लेकिन मुझे ये फ्री मिला है गूगल होम मिनी के साथ में। अब गूगल होम मिनी का रिव्यू भी मैं जल्द लेके आऊँगा, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको इस राउटर के बारे में बता देता हूँ। इसकी अनबॉक्सिंग शुरू कर देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ही कॉम्पैक्ट सी पैकिंग है। और अगर आपने जियोफाई के दूसरे मॉडल्स का अनबॉक्सिंग वीडियो देखा होगा तो ये वाला बहुत ही प्रीमियम लग रहा है। देखिए किस तरीके से इसे पैक किया गया है। और ये जो वाईफाई राउटर है, ये दिखने में भी काफ़ी अलग है। गोल आकार का है और यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है बटन्स के बारे में, और एक पोर्ट भी है। फिलहाल तो मैं इसे साइड में रख देता हूँ और देखते हैं कि बॉक्स के अंदर हमें और क्या क्या मिलता है। तो बॉक्स के अंदर आपको ये कुछ यूज़र गाइड मिलते हैं और साथ में वारंटी कार्ड है, और साथ में जियो 4G वॉइस के बारे में भी कुछ जानकारी दी गई है। तो ये सारी जानकारी आपको इस में मिल जाएगी। बॉक्स के अंदर आपको ये डेटा केबल भी मिलता है। ये USB टू माइक्रो USB डेटा केबल है, और इस केबल का उपयोग करके आप इसमें जो बैटरी है उसे चार्ज कर पाएंगे। आपको ये ट्रैवल चार्जर भी मिलता है। इसकी रेटिंग है 5 वोल्ट 1 एम्पियर्स, और साथ में ये रिमूवेबल बैटरी भी मिलती है। और ये जो बैटरी है, इसकी कैपेसिटी है 3000 mAh। अब ये जो JioFi मॉडल है, ये सबसे ज़्यादा बैटरी के साथ में आता है 3000 mAh की। तो बस ये सारी चीज़ें हैं जो आपको बॉक्स के अंदर मिलेगी। जियो के वेबसाइट पे आपको 3 ऐसे JioFi अलग अलग किस्म के मॉडल्स मिल जाएंगे। वैसे ये वाला मॉडल अब तक तो लिस्टेड नहीं है, लेकिन ये देखिए इस तरीके का दिखता है। सर्कुलर डिज़ाइन है, गोल कलर का आकार है, और यहाँ पर माइक्रो USB पोर्ट है। देख सकते हैं कि दो कलर कॉम्बिनेशन है, एक तो ब्लैक है और एक ग्लॉसी ब्लैक का फिनिशिंग दिया गया है साइड में। WPS का बटन है और साथ में ऑन ऑफ का भी बटन दिया गया है, और ऊपर जियो का लोगो है जो ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ में है। नीचे ये स्टिकर है, बटन्स क्या करते हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है, और जियो 4G वॉइस के बारे में भी यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है। आपको डाउनलोड करना पड़ेगा अगर आपको वॉइस कॉल करना है तो। ये एक पोर्टेबल वाईफाई राउटर है। करना क्या है कि आपको इसमें जियो का सिम डालना है 4G डेटा के साथ में, और उसके बाद में आप इस वाईफाई राउटर का उपयोग करके दूसरे डिवाइसेस के साथ में जो 4G कनेक्शन है उसे शेयर कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से आप इस डिवाइस को खोल सकते हैं। ये लीजिए, मैंने इसे खोल दिया है। अंदर देख सकते हैं दो स्लॉट्स हैं। ये वाला जो है, ये है माइक्रो SD कार्ड स्लॉट। ये देखिए यहाँ पर इसका आइकन दिया गया है, और जो दूसरा बगल में स्लॉट है वो है नैनो सिम स्लॉट। तो फिलहाल तो मैं इसमें माइक्रो SD कार्ड डाल देता हूँ और इसे लॉक कर देता हूँ। अगर आप चाहें तो जियो का जो 4G सिम है वो आप दूसरे वाले स्लॉट में डाल सकते हैं। तो इसमें जो SD कार्ड का स्लॉट है, अगर आपने इसमें SD कार्ड डाल दिया तो उसमें जो भी डेटा है आप दूसरे डिवाइसेस के साथ में इस राउटर का उपयोग करके शेयर कर पाएंगे। तो ये लीजिए, मैंने बैटरी भी डाल दी है और इस ढक्कन को बंद कर देता हूँ। बैटरी का जो कंपार्टमेंट है उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है, और बैटरी डालने से पहले ही आप दो चीज़ों को नोट कर लीजिए। एक तो है SSID और दूसरा है पासवर्ड। और उसके बाद में ये जो बटन है, पावर का बटन है, इसे प्रेस करके होल्ड कीजिए कुछ देर तक स्विच ऑन करने के लिए। और जैसे ही LEDs ऑन हो जाएंगे, ये देखिए यहाँ पर बैटरी है, और दूसरा जो LED है वो है 4G का सिग्नल, और जो तीसरा LED है वो है वाईफाई का सिग्नल। तो फिलहाल बैटरी ऑन हो गया है, और यहाँ पर जो बैटरी अब ग्रीन हो गई है, मतलब कि बैटरी फुल है, और अब ये 4G का सिग्नल देखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैंने इसमें कार्ड नहीं डाला हुआ है। और वाईफाई का सिग्नल ऑन हो गया, मतलब कि ये जो राउटर है ये अब राउटर की तरह परफॉर्म करना शुरू हो गया है। तो अब मुझे करना क्या है कि मेरा स्मार्टफोन का उपयोग करना है, और स्मार्टफोन में जाके जो SSID है इस डिवाइस की उसे सेलेक्ट करना है, और फिर आपको पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड जो है आपको बैटरी कंपार्टमेंट में मिल जाएगा, इसलिए पहले से आप उसे नोट करके रख दीजिए। ये लीजिए, अब मेरा जो स्मार्टफोन है ये वाईफाई के ज़रिए इस JioFi राउटर के साथ में कनेक्ट हो गया है। और ये जो लिंक है, ये लिंक आपको यूज़र मैनुअल में मिल जाएगा, उसका इस्तेमाल करके आप इसका जो राउटर का जो सेटिंग्स है वो आप यहाँ से कर पाएंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है, वो है स्टोरेज सेटिंग। तो वहाँ पर जाके आप वाईफाई स्टोरेज को इनेबल कर दीजिए। तो ये करता क्या है कि आपने जो माइक्रो SD कार्ड इसमें डाला हुआ है उसे वाईफाई स्टोरेज बना देगा, मतलब कि दूसरे डिवाइसेस उसे एक्सेस कर पाएंगे। ये देखिए, ये जो कंटेंट आप देख रहे हैं,
ये कंटेंट माइक्रो एसडी कार्ड में है जो मैंने जियोफाई राउटर में डाला हुआ है और मैं यहाँ से इसे एक्सेस कर पा रहा हूँ। देखिए, अगर आपके पास एक जियो सिम है और आप उसका उपयोग डेटा के लिए ही कर रहे हैं, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा आप डेटा का उपयोग करते हैं और चाहते हैं कि वो जो कार्ड है उसका डेटा दूसरे डिवाइसेस के साथ में भी शेयर हो, तो उसके लिए आप इस तरीके का वाईफाई राउटर, जिसे कहते हैं जियोफाई राउटर, उसे खरीद सकते हैं। इसमें बिल्ट इन वाईफाई है और आप 31 डिवाइसेस को इसके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर कुछ कारणवश आपके पास वाईफाई का एक्सेस नहीं है तो आप यूएसबी टीटरिंग का भी उपयोग कर सकते हैं। मतलब ये कि आप इस डिवाइस को अपने कंप्यूटर के साथ में यूएसबी केबल के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं और जो रिलायंस 4G का आपका जो सिम कार्ड है उसका जो डेटा है उसे आप उपयोग कर सकते हैं कंप्यूटर पे। तो ये जियोफाई एक तरह से नेटवर्क शेयरिंग डिवाइस है जो आपके रिलायंस 4G का जो डेटा है उसे दूसरे डिवाइसेस के साथ में आप शेयर कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आप अगर आपके पास एक माइक्रो एसडी कार्ड है जिसमें डेटा है तो उस डेटा को आप दूसरे डिवाइसेस के साथ में शेयर कर सकते हैं इस जियोफाई का उपयोग करके। वैसे जियोफाई का उपयोग करके और साथ में जियो 4G वॉइस का उपयोग करके आप इसके ज़रिए वॉइस कॉलिंग भी कर सकते हैं, लेकिन ये डेटा के लिए ही बनाया गया है। इसमें जो 3000 mAh की बैटरी है उसे चार्ज करने के लिए आपको तकरीबन 4 घंटे के आसपास लग जाएंगे अगर आप पावर अडैप्टर का उपयोग करेंगे तो, और फुल चार्ज पर अगर आप रिलायंस जियो का कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें जो 4G है उसका उपयोग कर रहे हैं तो मान लीजिए फुल चार्ज पर ये जो बैटरी है तकरीबन 8 से 10 घंटे का नॉनस्टॉप यूसेज आपको दे देगी। तो ये जियोफाई आपको कैसा लगा इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वो जो बेल आइकन है उसे भी एनेबल कर दीजिए। धन्यवाद।